मुद्दा चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। देश के सबसे चर्चित मुद्दों में आज है किसान आंदोलन का मुद्दा। पिछले 15 दिनों से ऊपर का समय हो चुका है और किसान अब भी डटे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर और प्रयासरत है सरकार से अपनी मांगे मनवाने में। और कहीं ना कहीं मांग है उनकी इस कृषि कानून को, जिसे वो एक काला बिल के नाम से कह रहे हैं, ये केंद्र सरकार वापस ले। खैर, आज जो मुद्दा चर्चा में है वो इसी किसानी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आ रहा है ये मुद्दा चर्चा में हरियाणा के राजनीतिक गलियारे से। जी हाँ, अगर बात करें तो अब हालात ये हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब हरियाणा में भी कहीं ना कहीं राहें मुश्किल नजर होती आ रही। कारण, गठबंधन की सरकार खट्टर साहब के लिए अब कहीं ना कहीं एक रोड़ा अटकाने वाली सरकार बनती नजर आ रही है, क्योंकि जजपा के डिप्टी सीएम, जजपा जो पार्टी जो कि गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी के साथ, दुष्यंत चौटाला के ऊपर ये माने कि दबाव है अब, चाहे वो विपक्षी दलों का जो कि लामबंद हो चुके हैं, जो पूरा एकजुट होकर, फिर चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या अभय चौटाला हो, हर तरह से कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में नजर आ रहे हैं और दुष्यंत चौटाला को बैकफुट पे लेते नजर आ रहे हैं। क्योंकि शुरू से इनेलो जब थी, जजपा से पहले, चौटाला परिवार शुरू से किसानी के ऊपर अपनी राजनीति करता आया है, तो कहीं ना कहीं जजपा के लिए भी किसान आंदोलन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें साथ देना अब उनके लिए एक आस बनती नजर आ रही है। देश के एक सबसे बड़े अखबार को आज जो दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया, वो कहा कि MSP अगर नहीं दिला पाया तो इस्तीफा देकर अलग हो जाऊंगा सरकार से। ऐसे में अब ये बयान जब आता है, और एक दिन पहले कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने विधायकों के साथ डिप्टी सीएम चौटाला के घर पे जाकर मीटिंग करते हैं इसी किसानी आंदोलन पे। 75 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी पिछली बार, आपको याद होगा, विधानसभा इलेक्शन में, जो अभी आखिरी विधानसभा इलेक्शन हुए, उनमें मात्र 40 सीटों पर सिमट कर रह गई। और आज ये 40 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने के लिए गठबंधन करके जजपा के साथ, जो कि मात्र 10 सीटों पर अपना वर्चस्व बना पाई थी हरियाणा के विधानसभा इलेक्शंस में, उनके साथ उन्होंने ये गठबंधन किया था। और आज हालात ये हैं कि मनोहर लाल खट्टर को 10 सीटों वाली जजपा के घर पर जाकर अपनी सरकार बचाने के लिए कहीं ना कहीं यह मीटिंग करनी पड़ गई कि किसानी आंदोलन पे ये मैसेज देने की जरूरत पड़ गई कि किसानी आंदोलन पर गठबंधन की सरकार मजबूत है, फेविकॉल का जोड़ लगा हुआ है और यह है अटूट है। लेकिन अब सत्ता के गलियारों में कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही है कि दुष्यंत चौटाला के ऊपर भी दबाव है, कि वो चाहे उनके अपने विधायकों का हो, पार्टी का हो, या किसानी नेताओं का हो, या कहें कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक्स चीफ मिनिस्टर हरियाणा अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में अब सरकार पर जो दबाव बना रहे हैं, दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं उसमें गिरते नजर आ रहे हैं। और अब उनके लिए ये मजबूरी बन गई है कि वो किसानों के पक्ष में या तो आर हों या पार हों, लेकिन अब ये मिक्स वाली राजनीति और फील गुड वाली राजनीति का समय नहीं रह गया है। और इसीलिए कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला भी अब दबाव में गिरते नजर आ रहे हैं। और यह भी खबर आ रही है कहीं ना कहीं कि उन्होंने अपने विधायकों के साथ में एक मीटिंग की है, और जिसमें हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाए जो कि शायद, मैं समझता हूं कि अब मनोहर लाल खट्टर सरकार के लिए एक चुनौती से कम नहीं होगा। दुष्यंत चौटाला एक यूथ आइकन के रूप में रातों रात हरियाणा की राजनीति में आए, हालांकि लेगेसी पुरानी थी राजनीति में चौटाला परिवार की, लेकिन मतभेद के चलते पिता पुत्र ने अपनी नई पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी जजपा का उन्होंने गठन किया, इलेक्शन लड़ा, 10 सीटों पर अपनी सत्ता काबिज की, और इन्हीं 10 सीटों के बल पर गठबंधन की सरकार बनी, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूरी की सरकार। अब खट्टर साहब को मजबूरी में जाकर लंच पर, दुष्यंत चौटाला के घर पर जाकर ये लंच करना और किसानी आंदोलन के ऊपर ये वार्तालाप करके मीडिया में दिखाना और जनता के सामने यह पेश करना कि यह सरकार बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन इसके उलट कहीं ना कहीं हालात ये हैं कि अब जो ये दबाव है ये पूरी तरह से अब दिखने लगा है राजनीतिक गलियारों में, और यह एक चिंताग्रस्त बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में भी और हाँ केंद्र में भी।
क्योंकि पंजाब में अब एक साल बाद में इलेक्शन है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ पे नए रूप से जमीन तलाश रही, क्योंकि अकाली दल इसी किसानी आंदोलन को लेकर अपना गठबंधन तोड़ चुका है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी से। और सेम हालात अब बनने लगे हैं जननायक जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, जजपा, जो अब दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में भी चल रही है। कहीं ना कहीं अगर ये हालात अगर खड़े हो जाते हैं और इसी किसानी आंदोलन के चलते और किसानी दबाव को लेकर और जिस बड़े लेवल पर अब ये आंदोलन प्रखर है और जिसके अभी आज की डेट में ये हालात दिखते नजर नहीं आते हैं, ये इस आंदोलन को अभी विराम लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और किसानों के बीच में अभी मतभेद जारी है, दौर चल रहे हैं वार्ताओं के, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो शांत होते नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में एक नया मुद्दा खट्टर सरकार के लिए जो चुनौती बन के नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार बचाने के लिए नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ विपक्षी खेमा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो पूरी तरह से लामबंद है कि कहीं ना कहीं हरियाणा में अब ये सरकार अगर गिरे और हम अपनी राजनीतिक जमीन तलाशें। मुद्दा बहुत बड़े स्तर पर चर्चा में है, हरियाणा की राजनीति में अब ये बात बड़े लेवल पर चल पड़ी है कि क्या ये सरकार रहेगी या टूटेगी, क्या गठबंधन रहेगा या टूटेगा। हालांकि बहुत ज्यादा दारोमदार जो अभी डिपेंड करता है वो खट्टर सरकार पर नहीं, मानवराल खट्टर या बीजेपी पर नहीं, बल्कि 10 सीटों वाली जजपा पर, दुष्यंत चौटाला पर निर्भर करता है कि वो आगे अपना किस तरह से हरियाणा के साथ में, हरियाणा भाजपा के साथ में अपना भविष्य तलाश करें। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी अब वो अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि किसानों की नाराजगी का मतलब है अपना वोट बैंक खत्म कर देना, वो भी तब जब जजपा अभी अभी अस्तित्व में आई है और फिर 4 साल बाद या जब भी अगली विधानसभा या लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो जजपा कहीं ना कहीं अपने बड़ी राजनीतिक भूमिका हरियाणा की राजनीति में देखना चाहेगी। ऐसे में किसानी आंदोलन में अगर उन्होंने साथ किसानों का नहीं दिया तो जजपा को पक्का ये डर होगा कि वो अब अपनी राजनीतिक जमीन जो बनने से पहले ही खराब होने लगी है, ऐसा रिस्क शायद ना ले पाए। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह के मुद्दों पर हम फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।